हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेगम किचन। मैं हूँ आपकी दोस्त नाजिश। आज मैं आपके साथ बहुत दिनों बाद एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो है मैंगो जैम की। मैंगो जैम, समर का ये फ़ायदा है कि मैंगो हर तरफ नज़र आता है और सबको बहुत पसंद भी आता है, और इससे बहुत कुछ बनता है, ड्रिंक भी बन जाती है और बहुत सारी चीज़ें भी बन जाती हैं। तो आज मैं मैंगो जैम की रेसिपी लेकर आई हूँ और बहुत टेस्टी है। यहाँ मैंने अल्फांसो मैंगो लिए हैं, तो आप कोई सा भी मैंगो ले सकते हैं। जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो तो आप वो वाले मैंगो ले सकते हैं। तो बस बेसिकली हमने इसका स्किन रिमूव करके और पल्प यूज़ करना है। पल्प तो सभी जानते हैं बहुत टेस्टी होता है, मैंगो फ्लेवर बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा होता है। और दूसरी बात यह है कि ये होममेड है, नेचुरल है, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, कोई कलर नहीं, कुछ नहीं, कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली है जो हमारे घर पे अवेलेबल ना हो। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें, इजीली बन जाता है। बस 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप लोगों को होप सो बहुत ही पसंद आने वाला है ये, और बनाना भी बहुत इजी है। और देखिए, मैंगो सीज़न में तो हर तरफ मैंगो नज़र आते ही हैं, बट ये है कि विंटर में ये नज़र नहीं आएंगे। तो विंटर में भी अगर मैंगो का हमें मन कर रहा है, हमें मैंगो खाने का या फिर मैंगो फ्लेवर का कुछ ऐसा लग रहा है, तो ये जैम जो है वो हम इजीली खा सकते हैं। अब मैंने ये पल्प सारा बाहर निकाल लिया है और इसके बाद मैं इसको ब्लेंड करूँगी। बट मैं देखिए, मैं आप इसमें इसकी स्किन भी यूज़ कर रही हूँ, जो रेड वाली स्किन है ना, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो अवॉइड करना, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप हटा भी सकते हैं, बट मैं इसको डाल रही हूँ क्योंकि मेरे जैम में क्रिस्टल का लुक देगा। मैं इसे बारीक सा क्यूब्स बनाऊँगी, जिसे चॉप भी कह सकते हैं, कट करके इस तरीके स्ट्रैप कट करके, और हमने क्रिस्टल बनानी है। तो इसका जो स्किन है वो बहुत कड़वी नहीं है, जो और नॉर्मली है, मतलब इजीली हम खा सकते हैं, ऐसे कोई वो मतलब जैसे कि ये नहीं है, हार्मफुल नहीं है। तो मैंने ये इसी तरीके से क्रिस्टल बनाऊंगी, और जब मैं जैम पूरा तैयार हो जाएगा तो इसका लुक भी दिखाऊंगी कि कितना बढ़िया सा लग रहा है। और बस इसे साइड करके रख देते हैं, बाकी आगे प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। मैंगो जैम फ्लेवर जो है नेचुरल वाला है, और हमारे जैसे बच्चे जो मतलब जैसे पसंद करते हैं, मिक्स फ्रूट भी बहुत प्यारा लगता है और पाइनएप्पल भी बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, तो मैंगो भी बहुत ही अच्छा है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो बस देखिए, आपके पास अगर हैंड ब्लेंडर है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। हैंड ब्लेंडर से बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनेगा, थोड़ा सा पल्पी रहेगा, और मिक्सी से थोड़ा अगर हम ब्लेंड करते हैं तो बड़ा स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाता है। तो मैं मिक्सी से इसलिए करके दिखा रही हूँ कि नॉर्मली घरों में होता नहीं है। तो एक पैन ले लीजिए और उसमें हमने अपना सारा जो ये पल्प है वो डाल देंगे। 2 मैंगो का बनाया है मैंने ये, तो मैंगो मेरे पास अच्छा खासा बड़ा था, तो मैं एक प्याला चीनी लिया है। मैंने ब्राउन शुगर लिया है, तो अगर आप प्लेन शुगर लेना चाहें, पाउडर शुगर लेना चाहें, कोई से भी ले सकते हैं। अब मैंने ये जो स्किन है वो भी डाल दी है। 1 नींबू डालेंगे, हमें नींबू का रस चाहिए बिकॉज ये जो हम बना रहे हैं चीनी भी पड़ी है, और चीनी डालने का बेसिक मतलब यह है कि वो हम चीनी को जब पकाएंगे तो वो क्रिस्टल सी बनने लगती है, तो उसको रोकने के लिए हमें ये नींबू का रस बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। कुछ लोग इसमें वेनेगर भी डालते हैं, बट वेनेगर से इसका जैम का फ्लेवर चेंज हो जाता है, मतलब वो वेनेगर की स्मेल आती है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आपको रेफर करूँगी कि आप नींबू ही डालें, वो अच्छा रहेगा, इससे हमारा जो क्रिस्टल नहीं बनेगी चीनी। ओके, देन आपने इसे पकाना है लो से मीडियम फ्लेम पे, बहुत हीट पे नहीं पकाना है, जल्दी से गाढ़ा नहीं करना है, इसे आराम से पकाएं ताकि इसका जो लाइफ है वो अच्छे से रहे। इसे अगर हम अच्छे से पकाते हैं तो ये 6 महीने तक आराम से ये स्टे कर सकता है,
और जो मैं क्रिस्टल बता रही थी वो आपको नज़र आने लगे होंगे, देखिए। और ये जैम में बड़े अच्छे लगते हैं, ये मेरा अपना है और ये मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, जो न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हो चुके हैं और मैं अब एक प्लेट में निकाल के देखूँगी, अगर ये फैल गया तो हमारा भी जैम तैयार नहीं है, और अगर ये इतनी ही बूंद रही तो हमारा जैम तैयार है। बट मैं इसे थोड़ी सी लो से मीडियम फ्लेम पे और पकाऊंगी, तब तक ये और थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और हमारा जो प्लेट में हमने निकाला था वो भी ठंडा हो चुका है, तो वो भी तैयार है। देखिए गाढ़ा सा लग रहा है, मज़ीद 5 मिनट और पकाया, ये और गाढ़ा हो गया। और अगर हम अब फ्लेम ऑफ करेंगे और जो रूम टेम्परेचर पर ये ठंडा होगा तो और जैम के, बिल्कुल जैम के शेप ले लेगा, मतलब जैसे जो गाढ़ा गाढ़ा होता है ना, जो एक्चुअली जैम जो होता है वो उसकी थिकनेस आ जाएगी। अब ये रूम टेम्परेचर पे मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया और रख दिया है, इसे मैं थोड़ी सी ऐसे करूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। अब ये बहुत गर्म है इसलिए इसे किसी भी कंटेनर में ना रखें, एक साफ़ कंटेनर ले, बर्नी लिए मैंने छोटी सी, कोई भी आप कंटेनर ले सकते हैं, एयर टाइट ले सकते हैं और उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। ये 6 महीने तक आराम से चलेगा। 6 महीने का मतलब ये है कि अगर आप जैसे इसको खा रहे हैं अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये 6 महीने क्या 10 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इतना टेस्टी होता है। और अगर आप रख दे रहे हैं इसे स्टोर करके रख दे रहे हैं फ्रिज में, तो ये अगर आप चाहें तो 1 महीने बाद अगर इसे खोल के देखेंगे और खाना शुरू करेंगे तो ये तब भी चल जाएगा। मतलब इसकी लाइफ तो अच्छी है क्योंकि इसे पकाया हमने बहुत अच्छा है। तो जैम तो बिल्कुल तैयार हो गया, मैं ब्रेड पर लगा के दिखा रही हूँ आपको कितना बढ़िया सा टेक्स्चर है और क्रिस्टल भी दिख रहे हैं। तो वीडियो आपको होप्स बहुत अच्छी लगी होगी, समझ आ रहा है कि किस तरीके से ये बनाया गया है, होप सो। और अगर आपने कुछ कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट हो तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। मैं जब मैंने इसे लगाया और खाया बहुत यकीन माने बहुत ही यम्मी लगा था, और जैम के तो बहुत ही फेवरेट बन गया ये मेरा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करेगा और मुझे बताइएगा, अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताएं कि आपने ट्राई करा तो कैसे लगा। होममेड मैंगो जैम रेडी है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोग ज़रूर इसे बनाएं और दुआ में ज़रूर याद रखें बेगम किचन को। बाय बाय।